वेट प्लीज, पॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट पॉइंट, ठीक है। माय डियर बात चैनल का इससे क्या लेना देना सर, मत पीछो, तुम्हें मसला क्या है, पीछे हो जाओ, पीछे चैनल से लेना देना, बेवकूफ इंसान, पीछे हो जाओ, इस चैनल का क्या लेना देना है। देखो बताना क्या है, यहाँ पर कहा जाता है कि औरतें कंट्रोल में रहेंगे तो मर्द कंट्रोल में, ऐसी बात ऐसा कोई बात नहीं, अपने खवातीन को इज्जत दें, ऑनर दें, और इज्जत दें, ऑनर दें, और उनको मकाम दें। वो बेचारी डरती बाजार नहीं जाती और सड़क से नहीं गुजरा जाता, उसको यार हमने गीदड़ बना दिया खातून को, यकीन जाने। इतनी शॉर्ट्स पहन के बनैन पहन के घूमेगा तो लड़कियां क्या करेंगी बताओ, मैंने क्या कहा, एक्सप्लेन करो, स्टूडेंट आया आपका, हाँ बताओ, आपको ये सवाल बनता ही नहीं था, अभी इसमें क्लियर कर देता हूँ, क्यों नहीं बनता था, क्यों नहीं बनता मैं बता देता हूँ, हाँ जी सीनियर है बड़े तो एक बड़े बड़े, फिर वो भाग के दूसरे मर्द से शादी कर लेती है, मौलाना की बीवियां भाग जाती हैं, आप क्या बात कर रहे हो। हाँ दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत हमारे आपके YouTube चैनल रियर रिएक्शन 2.0 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान में हिजाब की। तालिबान सरकार ने वहाँ की महिलाओं को जेल में बंद करना शुरू कर दिया है, इसलिए कि उनका कहना है कि हिजाब सही से नहीं पहनी, पूरा सर से लेके पांव तक हिजाब रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन, चलते हैं पाकिस्तान। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। अफगानी जो है तालिबान जो है औरतों को जेलों में डाल रहे हैं कि आपने हिजाब अच्छे से नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जो आप हिजाब के लिए बात कर रहे हैं, आप सरकार ने जब ये हुक्म किया था औरतों का पांव से लेकर सर तक जी, सर का एक बाल भी नंगा नहीं होना, एक बाल भी नंगा नहीं होना चाहिए, नहीं नंगा होना चाहिए, अच्छा, ताकि किसी गैर महरम का, किसी गैर महरम का नजर, गैर मर्द की नजर ना पड़े, बिल्कुल नजर भी ना पड़े। अच्छा, अगर किसी मर्द की नजर पड़ती है वो क्यों पड़ती है, वो कुछ हमारे भी खूबी है, कुछ औरतों में भी खूबी है। क्या खूबी है आप में? जब आप सरकार ने बताया था औरत ने अपना सर से लेकर अपने पांव तक दुपट्टा होना चाहिए, अच्छा बुरखा, जी जी दुपट्टा होना चाहिए, अच्छा। उसके बाद जब औरत, आज का माशरा हम ये देख रहे हैं, औरतों का लिबास जोन सा है वो गिट्टे से भी ऊंचा है, पिंजनियों पे आ रहा है, तो जो मर्दों का लिबास है वो गिट्टे के नीचे जा रहा है। हम इस चीज को नहीं मानते, अच्छा हम इस चीज को नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, औरतों का लिबास जोन सा होना चाहिए वो गिट्टे से पांव तक, मतलब उनका बात है कि औरतों का लिबास टखनों से नीचे होना चाहिए, एंकल से नीचे होना जी चाहिए, जी जी पांव तक होना चाहिए, ताकि आमन वाली हमारी मतलब पांव भी नजर ना आए किसी को, अल्लाह वो क्यों ना नजर आए, किसी गैर महरम की नजर ना पड़े, क्योंकि मर्दों की नीयत खराब हो जाती है, जी जी, तो मर्दों का कसूर है इसमें, औरत बेचारी का क्या कसूर, नहीं नहीं औरत का, दैट्स अ ग्रेट ग्रेट, सही कहा ना, मर्दों का कोई कसूर नहीं, सारा औरतों का। अच्छा फिर आगे उनकी बात बताने, आपसे भी बात करेंगे आप, नहीं वो मेरी इस बात का, मेरा ये कहने का मकसद है, जब औरत का लिबास अपने पांव के बराबर होगा बंदे की, गैर महरम की, किस तरह तरबियत खराब होगी, कभी भी नहीं खराब होगी। अच्छा मर्दों की हिफाजत के लिए औरतों को खुद को ढांपना चाहिए, खुद को, जब हम अपनी घर वाली को या माँ बहन जो भी बीवी है, अच्छा, हम उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, जब कंट्रोल करेंगे तो फिर ही हम बाहर कदम उठाएंगे ना, जब हम अपने घर पे कदम नहीं उठाएंगे, घर पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो बाहर किसी औरत पे क्यों कंट्रोल करें, कैसे जब करेंगे। आप औरतों पे कंट्रोल करते हैं तो वो अपने मर्दों से बागी हो जाते, फिर डाइवोर्स होती है, फिर वो भाग के दूसरे मर्द से शादी कर लेती है, मौलाना की बीवियां भाग जाती हैं, आप क्या बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो। मेरे कहने का मकसद है जब मर्द की हिम्मत हो ना, किसी बीवी, अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी वालदा को घर से कभी भी बाहर पैर नहीं निकालने देगा, और अगर वो पढ़ना चाहती हो, जो पढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती हो, भाई का हक है, बाप का हक है, किसी का घर से किसी फराद का हक है, वो अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, जिधर भी वो जॉब करती है या पढ़ती है, उसको जाए छोड़ कर आए, उसको जोर दे रहे कि हिजाब दे, अगर हिजाब हो भी जाता है, बुरखा भी पहन दिया जाता है, क्या सोशल इश्यूज खत्म हो जाएंगे बुरखा पहनने से? देखो कुछ लोग कहते हैं पर्दा दिल का होता है, जब तक आपका अंदर दिल साफ नहीं है ना,
वो कुछ भी नहीं होगा, चाहे आप पर्दे में आ रहे हैं जैसे मर्जी, लेकिन अगर आपको पर्दे का हुक्म दे दिया गया है तो आप सबसे पहले जो बेसिक रूल्स है उनको तो फॉलो करें, ठीक है। मैं भी एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी में एक चीज़ एक्सपीरियंस की है, और वैसे भी रोड पे जो लड़की बाहिजाब है उसको जो लड़कों के देखने का एंगल कुछ और है, जो विदाउट हिजाब है उसको देखने का एंगल कुछ और है। दोनों एंगल भी बताएं ना, क्योंकि यहाँ पे सोशल इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, हिजाब वाले को कैसे देखें। उस चीज़ को मैं हाईलाइट करता हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी में देखा और मैं टीचर बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब वो इश्यूज क्या है, वो इश्यूज इस तरह है कि जिस लड़की ने हिजाब पहना हुआ ना, वो मुकम्मल बॉयज को सोचने का एंगल ये नहीं, ये लड़की थोड़ी शरीयत है, इस्लाम पसंद है, हमने इससे बात तक नहीं कर रहे, जिसको पंजाबी में कहते हैं ये लड़की शरीफ है, इससे नहीं। अब वो जो दूसरा मॉडल टाइप आ जाती है ना, उसे कहते हैं जो एक ओपन माइंडेड भी कह सकते हैं, ये ओपन माइंडेड से आप फ्रीली बात कर सकते हैं, ठीक है। आप इससे जिस तरह जंक लैंग्वेज बर्गर जो भी लैंग्वेज आप यूज करना चाहे, ये बुरा नहीं मनाएगी। मैं रोड पे होती हूँ, मैंने डेली क्या देखती हूँ, मैं डेली क्या देखती हूँ, रुको, अब मैंने हिजाब नहीं किया ना, मेरे पास से कोई गुजरेगा उसने मेरी शक्ल देख ली, अब दोबारा मुड़ के वो नहीं देखेगा। लेकिन अगर मैंने बुरखा पहना जाएगा मुड़ेगा फिर तीन चार दफा देखेगा। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, ये मैं बहुत दफा हुआ है, ये बहुत दफा आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, हेड हिजाब क्या चीज है। क्योंकि इस्लाम में जो ये सख्ती से पर्दे को वो हक दिया गया है पर्दे का, अच्छा, अगर पर्दे के बाहर हम हो फिर इस्लाम से खारिज होता है। मतलब अफगानिस्तान के अंदर औरतों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, स्कूल वो नहीं जा सकती, ऑफिस नहीं जा सकती, पब्लिक इंटरेक्शन नहीं कर रही, तो आपके नजरिए के मुताबिक वो सब जायज हो रहा है। नहीं, जो ये आपने स्कूल वाली बात की है, काम वाली बात की है, इसमें वो गलत है। हाँ। बाकी वो अगर पर्दे की बात है तो पर्दे में वो ठीक है। ये औरतें हिजाब दो तरह का करती हैं, अच्छा। एक करती है बिल्कुल इस तरह का चेहरे के ऊपर ऊपर हाँ मुंह तक, वो डांपती नहीं है, और एक क्यों निकाब होता है, एक हाँ। निकाब होता है, जो निकाब वाला है ना हिजाब वो बेस्ट है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जो दूसरा हिजाब करती है ना, वो तो हमारे मजहब में भी नहीं है, हमारा मजहब भी नहीं इजाज़त देता इस तरह का, ठीक है। तो औरतों को चाहिए कि वो ना निकाब यहाँ से शुरू करे, आँखों से। मतलब आप कह रहे हैं कि औरतों को अपना मुंह ढांपना चाहिए, अपना मुंह ढांपना चाहिए, लेकिन किसी भी मुसलमान के ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं कि वो औरत को जाके कहे कि तुम इस तरह हिजाब करो या ये करो वो करो। हमारा जो मज़हब है वो पुरसकून है, अच्छा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला नहीं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।